चलिए दोस्तों आ गया है और एक संडे वक्त होता है हैशटैग आस्क अरुण के एपिसोड नंबर बोलिए 91 का। जी हाँ, 9 एपिसोड रह गए हैं सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों क्या जबरदस्त एपिसोड होने वाला है। एक स्पेसिफिकली जो सवाल है इतने सारे लोगों ने पूछा, पूछिए मत। जी हाँ, बहुत जबरदस्त सवाल है क्योंकि अब तो ये सेल वगैरह आ रहे हैं, लोगों को स्मार्टफोन्स खरीदने हैं, तो ये लूं या ये लूं, ये लूं या वो लूं, ऐसे ही बहुत सारे सवाल है, तो बहुत सारे लिए हुए हैं। बट सबसे बड़ा जो सवाल है वो है निखिल शर्मा, शुड आई बाय ROG 2 और OnePlus 7T प्लीज सजेस्ट। लिटरली हजार एक सवाल तो पूछे होंगे कि भाई ये लूं या वो लूं, क्योंकि OnePlus 7T की प्राइस मेरे हिसाब से 1,000 या 2,000 से थोड़ी ज्यादा है, विच सरप्राइज मी। मुझे लगा था 35,000 तक आ जाएगी, बट 35,000 वॉज अ गुड प्राइस, बट वो आई 37,000-38,000 तक। वैसे डील्स में 35,000 तक आ जाता है। एंड ROG 2 के बारे में बताऊं आपको दोस्तों, तो इट इज अ ग्रेट फोन, 6,000 mAh की बैटरी है। तो फाइनली मेरा जो आंसर है कि भाई आपने लेना चाहिए OnePlus 7T या ROG 2, इट इज योर चॉइस। जी हाँ, इस सवाल पे मैं थोड़ा ज्यादा वक्त बिताने वाला हूं। क्यों? OnePlus 7T अगर आपको सीरियसली फास्ट चार्जिंग चाहिए, एक प्रीमियम लुक वगैरह चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 चाहिए और अच्छे कैमरास चाहिए, तो मैं कहूंगा आप OnePlus 7T के पास जाइए। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए, एक ऑलराउंडर चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए और गेम्स बहुत ज्यादा खेलते हो एंड यू आर ओके विद अ बिग फोन, तो आपने ROG 2 के पास जाना चाहिए। जी हाँ, इट ऑल कम्स डाउन टू आपके प्रेफरेंसेस क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब लेते हैं अगला सवाल। मयूर प्रभु धारवाड़कर पूछते हैं, हेलो अरुण भाई, व्हाट डू यू फील अबाउट 70? इज इट वैल्यू फॉर मनी? हाउ इज इट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ हाई एंड गेमिंग वीडियोज, मूवी व्यूइंग? What about सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल, विल इट एनहांस कैमरा परफॉर्मेंस? वैसे हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशंस है, अनबॉक्सिंग है, वो जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजें बताई है, इसका डिटेल्ड रिव्यू भी आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो वन प्लस का एक्सपीरियंस होता है, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको मिलता है, तो उस हिसाब से 70 इज रियली गुड। ऑडियो सही में अच्छा है क्योंकि डुअल स्पीकर्स हैं इसके अंदर, एंड गेमिंग वगैरह के लिए शुड नॉट बी अ इशू यार, टॉप नॉच प्रोसेसर है, तो गेमिंग के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो इट इज ग्रेट। दीपक वर्मा पूछते हैं, हेलो अरुण भाई, आई एम प्लानिंग टू बाय अ फोन अंडर 10K, व्हाट डू यू रिकमेंड, रियलमी 5 और वीवो U10? ओके, बोथ हैव SD665, 5000 mAh बैटरी, गुड कैमरा। माय प्रेफरेंस इज फर्स्ट बैटरी, देन सॉफ्टवेयर अपडेट्स, देन कैमरा, देन स्क्रीन, देन लुक्स। सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपने पूछा तो मैं रियलमी के बारे में रियलमी ही कहूँगा, क्योंकि दे हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, ज़्यादा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है लेकिन अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और उस हिसाब से मैं कहूँगा रियलमी 5। या U10 इज ऑल्सो एक्चुअली अ ग्रेट फोन, बहुत ही कम है दोनों में डिफरेंसेस। अगर वीवो वगैरह चाहिए आपको तो वीवो U10 भी ले सकते हो, बोथ आर गोइंग टू बी ग्रेट, सो योर चॉइस। या प्रसाद जोशी पूछते हैं, अगर आपके पास 1.5 लाख है तो आप क्या खरीदोगे, बुलेट वर्सेस आईफोन 11 प्रो मैक्स 512 GB? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। सीरियसली बताऊं, मैं दोनों भी नहीं खरीदूंगा क्योंकि बुलेट तो मेरे पास ऑलरेडी है एंड आईफोन आई डोंट थिंक इज वैल्यू फॉर मनी, तो मैं 1.5 लाख बैंक में FD में डाल दूंगा, म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, और अगले साल शायद बुलेट की जगह पे हार्ले डेविडसन खरीद लूंगा। क्या लगता है? How was my answer? जी हाँ, तो ऐसे है। श्याम कुमार पूछते हैं, सर जी मेरा बजट 40 तक का है, मैं ओप्पो रेनो 10X जूम लूं या वेट करूं असुस ROG 2 के लिए? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। असुस ROG 2 यार, क्लियर चॉइस, सवाल ही नहीं। तनुज रावत पूछते हैं, अरुण भैया, डू यू थिंक दैट पोको F1 6GB 64GB इज द बेस्ट डील अंडर 15K सेगमेंट इन बिग बिलियन डेज? एंड आई थिंक सो, आई सीरियसली थिंक सो, कि अगर 6GB 64GB आपका विथ 845 प्रोसेसर पोको F1 मिल रहा है, इट इज एन ऑसम डील यार। मतलब सही में यू जस्ट कांट गो रॉन्ग विथ पोको F1 यार, एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है, आपको 15,000 में मिल रहा है। क्या जमाना आ गया है आपको पोको F1 जैसा फोन जिसमें 845 प्रोसेसर है, 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, दिखने को अच्छा, डिसेंट लुक्स वगैरह है, वो आपको 15,000 के नीचे मिल रहा है, इट इज ऑसम सीरियसली।
अमोल मोरे पूछते हैं, प्लीज टेक माय क्वेश्चन, आई एम आस्किंग यू फॉर द थर्ड टाइम। हाय आई एम अमोल, आई लव एवरी सिंगल वीडियो यू पोस्ट। ओके, तसं मी पुण्याचा आहे, तो ये पुणे के हैं, एंड आई वॉन्ट टू मीट यू समडे, जरूर जरूर। द वीडियोज यू पोस्ट हैव लॉट्स ऑफ गुड कंटेंट, हेल्प्स अस टू गिव इन्फॉर्मेशन टू नियर बाय पीपल। ओके, माय क्वेश्चन इज व्हाई मोटोरोला फोन इज लैगिंग बिहाइंड अदर स्मार्टफोन ब्रांड्स, इज इट नॉट रेगुलर अपडेट्स और एक्सपेंसिव प्राइसिंग। हाँ, मतलब वो बोल रहे हैं कि रेगुलर अपडेट्स नहीं देते हैं, एक्सपेंसिव प्राइसिंग है। अदर थिंग आई वांट टू आस्क यू इज आई टेक रेडमी नोट 8 प्रो और रियलमी 730G, करंटली आई एम यूजिंग मोटो G4। मुझे भी समझ में नहीं आता है यार, मोटोरोला ये ब्रांड इतना इंडियंस को, हम लोगों को पसंद आता था, स्पेशली जब जी पहले आया था, जी सीरीज वगैरह अच्छे प्राइस पे अच्छे फ़ोन देते थे, एंड डीरेल हो गया किसी अगले पिछले 3-4 सालों में, एंड आई डोंट नो यार, ओवर प्राइज्ड लाने लग गए हैं स्मार्टफोन्स, स्पेशली मोटोरोला के, एंड स्पेसिफिकेशंस प्राइस के हिसाब से प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, या फिर यू नो, ये जब रियलमी रेडमी वगैरह आ गए उनके साथ जस्ट कम्पीट नहीं कर पाते हैं, वॉट एवर द रीज़न, बट आई अग्री विथ यू, मोटोरोला नहीं कर पा रहा है। एंड रेडमी नोट 8 प्रो वर्सेज रियलमी 730G, बोथ आर इक्वल, बोथ, दोनों भी बहुत सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हमारे Asus ROG फोन 2 के अनबॉक्सिंग में कि भाई गिज़्मो एडिट वाज सेइंग दैट ये टेंसेंट वाला वेरिएंट है जिसमें ये ROG 2 के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है भाई, ROG फोन 2 वोल्टी को प्रॉपरली सपोर्ट करता है। उतना ही नहीं दोस्तों, मैं एक चार्ट डालता हूं जहां पे सब बैंड्स जो ROG फोन 2 8GB 128GB वेरिएंट है वो किस किस बैंड्स को सपोर्ट करता है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड इट सपोर्ट्स एवरीथिंग, जो भी इंडिया में यूज़ होते हैं या फिर सदर्न एशियन कंट्रीज़ में जो भी इस्तेमाल होते हैं सभी है। हाँ, कुछ कुछ है 12GB 512GB वेरिएंट में, बट आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली इंडिया में अगर आप हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया में हो, सब जगह पे सब जो बैंड्स हैं वो सपोर्ट करता है ROG 2 का जो बेस वेरियंट है। वैसे एक चीज़ बताना मैं भूल गया एट द स्टार्ट, यस, सब्सक्राइब नक्की करा, इसका मतलब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहली बार हमारे चैनल पे आए तो साथ में बेल आइकन ऑल वगैरह वो सब कर दीजिएगा, हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, क्वालिटी वीडियोस, ट्रैक इन टेक ना 100%। चलिए लेते हैं अगला सवाल, नाउ दैट इज आउट ऑफ द वे। वैसे लाइक करना भी मत भूलिए, अभी सब्सक्राइब का बोल दिया तो लाइक का भी बोल देता हूं। अगला सवाल आता है मदन कस्बे से, वो पूछते हैं, हेलो सर, लव योर वीडियोज, माय क्वेश्चन इज व्हाट When will MIUI 11 launch? I have Note 7 Pro and I am facing so many problems. जो रोड मैप है MIUI 11 का वो आ गया है अक्टूबर मिड, मतलब 15 अक्टूबर तक आ जाएगा। 15 तारीख को आप आपके फ़ोन में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, स्टेटस अपडेट या फिर जो भी अपडेट होता है उसके ऊपर जाइए, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, एक दो दिन इधर उधर ज़्यादा से ज़्यादा। ऋतिक मालवीय पूछते हैं, विच टीवी इज बेस्ट अंडर 30K फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। कौन से साइज़, कितने साइज़ का चाहिए आपको? 30K में आपको सैमसंग भी मिलेगा, लेकिन वो शायद 24 इंच, 32 इंच वाला भी मिल जाए, पता नहीं, एंड आपको एक 43 इंच, क्या 55 इंच भी मिल सकता है आजकल सेल में वगैरह, तो यू हैव टू गिव मी मोर डिटेल्स, उसके सिवा मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन अगर आपको बजट कैटेगरी में चाहिए तो मैं वू जो होते हैं वीयू के लैपटॉप्स नहीं यार, टीवी, वो ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अच्छे हैं, शाओमी के भी अच्छे हैं, एंड अब मोटोरोला का जो टीवी है वो सही में अच्छा है, मतलब आई विल रियली से आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट। तो मोटोरोला टीवी यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट, आई थिंक 32 इंचेस या 43 इंचेस भी आपको इस प्राइस के अंदर मिल जाएगा। राजपूत संजय पूछे, सर आई लव योर वीडियोस एंड नाउ आई एम अ टेक गुरु इन माय फैमिली, एवरीवन टेक्स माय एडवाइस बिफोर बाइंग अ स्मार्टफोन, सो इट जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू। माय क्वेश्चन इज नाउ ड्यूअल सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन्स आर ऑल लॉन्च, सो डू यू थिंक दैट वी कैन सी मोर देन 2 सेल्फी कैमराज इन फ्यूचर? एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, मैं तो बोलता हूँ 6 कैमरे भी सेल्फी में आ सकते हैं। मैं तो अभी आजकल मैं बोलता हूँ, मैं ऐसे कभी नहीं बोलता हूँ कि ये नहीं हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस स्मार्टफोन वर्ल्ड, ऑनेस्टली दैट्स माई वन आंसर, एनीथिंग इज पॉसिबल। आर एस राम पूछते हैं, आईफोन XS एंड XR इज गेटिंग अ फीचर ऑफ CPU थ्रॉटलिंग, वॉट हैपन्स विद दैट? CPU थ्रॉटलिंग, एक तो पहले कह दूं कि आप थ्रॉटल नहीं करते हो, वो एप्पल जब अपडेट वगैरह भेजता है तो थ्रॉटल करके भेजता है। पहले क्या करता था कि पुराने स्मार्टफोन्स में जब अपडेट आता था तो CPU की जो प्रोसेसिंग पावर है वो कम कर देते ताकि बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा हो जाए, लेकिन अब ऐसे है कि वो जैसे परफॉर्मेंस पहले मिलता था वैसे ही मिलेगा, लेकिन आपकी बैटरी घट जाएगी उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चिल्ला पुकार की थी जब वो हुआ था,
तो एप्पल ने कहा कि मैं अब ऐसे सीपीयू थ्रॉटल वगैरह नहीं करने वाला, कम उसका स्पीड नहीं करने वाला हूँ, जैसे है वैसे देने वाला हूँ, आपकी बैटरी जाती है जाइए हमारे सर्विस सेंटर में, बैटरी चेंज किए और किडनी का एक पार्ट या फिर आपकी उंगली वगैरह दे दीजिए और बैटरी चेंज कर दीजिए। जी हाँ, ऐसे ही कुछ है। मनदीप सिंह पूछते हैं, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, M30s प्रोसेसर इज इक्विवेलेंट टू विच स्नैपड्रैगन प्रोसेसर एंड कंपेयर दिस वन। मैं कहूंगा 665, साजिद 665, राइट? सो 9611 जो प्रोसेसर है M30s का, वो 665 जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, उसके लेवल का है। या फिर कहूंगा अगर आपको मीडियाटेक का देखना है तो P60 एंड P70 के बीच में कहीं तो भी, तो ऐसा ही है। यश सोनी पूछते हैं, सर आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू फ्रॉम सागर मध्य प्रदेश, आई विल से दैट विच इज द चीपेस्ट स्मार्टफोन विच विल कम 855 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, K20 प्रो। या आई मीन दैट राइट नाउ इज द चीपेस्ट, राइट? सेल में कोई है जो K20 प्रो से कम होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, K20 Pro is the cheapest. Shubham Shelar pujhe, should I buy OnePlus 70 or OP7? Or OP7 is also good in performance and camera is also decent. My main need is performance. What should I go for? Yaar, honestly batao aapko. OnePlus 7 30,000 ke niche aa gaya hai. OnePlus 7. And at that price point, I think it is a great deal. Absolutely awesome deal. Sahi mein. 70 लेना है, पैसे हैं तो ले लीजिए, बट OnePlus 7 इज ऑल्सो गुड, क्योंकि अमेजोन पे बहुत अच्छे सेल में प्राइस में मिल रहा है, सो आई विल से इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। सुमन बोस रॉय चौधरी पूछते हैं, विच वन इज बेटर, रेडमी नोट 8 और रियलमी 5 प्रो? रेडमी नोट 8 का अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, उसका कंपेरिजन भी करेंगे और आपको देंगे, बता देंगे क्लियरली। लेट मी यूज इट, रेडमी नोट 8 इतना मैंने यूज नहीं किया तो मैं अभी नहीं बता सकता हूं, बट मेरे हिसाब से रियलमी 5 प्रो विल बी बेटर, बट आई रिजर्व माई जजमेंट। जी हाँ, प्रॉपरली हमें डिटेल में उसका रिव्यू या फिर कंपेरिजन करने दीजिए, उसके बाद में आंसर देंगे। वैभव पूछते हैं, शुड आई बाय K20 प्रो इन फ्लिपकार्ट BBD और वेट फॉर पोको F2? रुकिए मत, सही में कहता हूं, पोको F2 पता नहीं आने वाला है या नहीं, probably it is only in our minds, Poco F2. मुझे लगता है K20 Pro मिल रहा है अभी, ले लीजिए, बढ़िया फोन है, बढ़िया सही में। कैफ पूछते हैं, अरुण भाई रियलमी X730G रियलमी K20 को टक्कर देगा या नहीं? अब जब आएगा तो हम देखेंगे, बट अगर स्पेसिफिकेशंस आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हो, यस देगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, बट दे आर गोइंग टू बी डेफिनेटली कॉम्पिटिशन, वेरी क्लोज कॉम्पिटिशन। OnePlus 70 और iPhone XR आई नीड फॉर कैमरा। यार iPhone XR जो है आपको कुछ 50,000 हो गई है उसकी प्राइस, और डील वगैरह देखोगे तो शायद 40,000 तक आपको मिलेगा, 40,000 तक, तो ये OnePlus 70 से ज़्यादा महंगा है। आई थिंक OnePlus 70 अभी मैं यूज़ करना चालू किया है, सो I really don't know, yaar. I mean, both are really good, to be honest. But I will always suggest you OnePlus 70. Purely iska display and XR ka display, matlab iPhone XR ka. I mean, utna hi kaafi hai uske liye, to OnePlus 70. Yes. Clear choice. What do you say? Right? Everyone, yes. Okay. Sabhi log haan kar rahe hai. Shlok puchte, which is better, Vivo Z1 Pro or Vivo Z1 X? Yaar, dono bhi achche hai. Seriously, dono bhi achche hai. Vivo Z1 Pro थोड़ा सस्ता है लेकिन स्पेसिफिकेशंस में थोड़ा कम है। Vivo Z1 X और Z1 Pro के बारे में बताऊं तो Z1 X, my choice will be Z1 X, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, USB टाइप सी है, क्या चाहिए, फास्ट चार्जिंग भी है, 4,500 mAh की बैटरी है, Vivo Z1 X। बट बोथ आर वेरी क्लोज, मतलब Z1 Pro भी ले लिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे आर रियली गुड फोन्स। Vivo, यू गाइज हैव डन गुड विद Vivo Z1 Pro एंड Z1 X, गुड, कीप इट अप। अदनान पूछते हैं, अरुण भाई OnePlus 70 Pro लॉन्च डेट एंड विच प्राइस, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। आई रियली डोंट नो OnePlus 70 Pro लॉन्च होने वाला है या नहीं, लेकिन लंडन में अक्टूबर 10th को उनका एक फंक्शन यानी लॉन्च इवेंट है, तो शायद उधर OnePlus 70 Pro अनाउंस कर दे, शायद, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो। एंड आई थिंक इसी के साथ हमारे आज के सवाल जवाब खत्म होते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो पूछा है सवाल, Asus ROG 2 एंड OnePlus 70, वैसे मैं एक पोल डालता हूं, आपको क्या लगता है, अगर आपके पास 37,999 है तो आप Asus ROG 2 लोगे
या फिर आप लोगे OnePlus 7T। पोल में बिल्कुल मत भूलिएगा पार्टिसिपेट करना, मुझे पता चलना, आई वॉन्ट टू नो वॉट इज द चॉइस, पीपल्स चॉइस अवार्ड मिलेगा किसको, OnePlus 7T या फिर Asus ROG 2, लेट्स फाइंड आउट, पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा हैशटैग आस्क अरुण एपिसोड नंबर 91 खत्म होता है इधर ही, लाइक जरूर कीजिएगा, अभी भी सब्सक्राइब नहीं है दैट्स अ क्राइम है, इतना सब कुछ आपके सवालों के जवाब देते हैं, सब्सक्राइब तो आपको होना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।